राव ने, और जब केस दर्ज हो गया जो दो ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदार बड़े नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें, अब रिव्यू पिटीशन के आधार पर इसकी बात कर रहे हैं कि इसे पुनर्विचार किया जाए। ये बड़ी अजीब बात है कि कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, और जब गलती होती है तो उसे गलती मानने को तैयार नहीं होते। ये स्थिति बन गई है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो आजम खान हो। और बड़ी बात यह है कि दोनों ही दलों के बड़े नेता अपने अपने दल के व्यक्ति को बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि कुछ गलत नहीं कहा और आजम खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, इसलिए बैलेंस करने के लिए अमित शाह पर भी केस दर्ज करवा दिया गया। तो मुलायम सिंह यादव ने कल खुद ही एक लेटर लिख दिया चुनाव आयोग को कि पुनर्विचार किया जाए, और आज सार्वजनिक सभा में भी उन्होंने यही बात कही। तो अगर गलती की नहीं तो शायद चुनाव आयोग की गलती होगी जो उन्होंने केस दर्ज कर लिया है। बहरहाल लीगल स्थिति निहारिका इसमें यह है कि इसमें गिरफ्तारी हो सकती है दोनों ही लोगों नेताओं की। अब ये पुलिस के ऊपर है, अगर उसे लगता है कि इस भाषण ये लोग दोबारा दे सकते हैं या फिर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि जिससे स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ सकती है, लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है ये देखने वाली बात। वैसे कानून ये कहता है कि 7 साल से नीचे की अगर सजा है तो गिरफ्तारी की जरूरत तब तक नहीं है जब तक कि जो जांच कर रहा है उसे ये यकीन ना हो जाए कि दोबारा इस तरह का अपराध वो कर सकता है। तो अब पुलिस के पाले में ये पूरी गेंद है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर अमित शाह की गिरफ्तारी होती है तो आजम की गिरफ्तारी होगी, और आजम की गिरफ्तारी होती है गिरफ्तार अमित शाह भी होंगे, ये स्थिति लग रही है। अमित, लेकिन कार्यकर्ता जो अपनी सेक्रेटरी छवि को लेकर हर एक बूथ पर जा रहे हैं, वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को उनकी तो अजियत हो गई होगी।